हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सस्का। इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आपका फ़ोन का पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक भूल चुके हैं तो आपका फ़ोन बिना टच के हुए एक सिर्फ एक क्लिक में ही आपका फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ सकते हैं। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका फ़ोन में वर्क नहीं करते तो मेरा वीडियो में आप सीधा डिसलाइक कीजिए एंड कॉमेंट बॉक्स में आप कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, तो मैं 100% गारंटी से बता रहा हूँ, आज का इस वीडियो में ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा आपका फोन बिना टच के हुए सिर्फ दूसरी फोन से एक क्लिक में ही आपका फोन का पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक टूट सकते हैं। तो आज का वीडियो रियली बहुत ही स्पेशल एक वीडियो देने वाला है, तो वीडियो तो आप एंड तक देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका फोन में वर्क क्या है तो मेरा वीडियो में आप लाइक कीजिए। अगर वर्क नहीं किया है तो मैं तो पहले ही बता दिया, कॉमेंट बॉक्स में आप कुछ भी आप कह सकते। ओके, तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपका फोन का तो लॉक आप अनलॉक कर नहीं सकते, तो आपका कोई भी फ्रेंड का एक फोन लीजिए सिर्फ एक मिनट के लिए। ओके, उसके बाद उसी फोन का अंदर प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फाइंड माय फोन लिख के सर्च कीजिए। प्ले स्टोर में फाइंड माई फोन लिख के सर्च कीजिए। वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो तो आप एंड तक देख लीजिए। तो इस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। तो आई थिंक इस एप्लीकेशन का बारे में सभी को पता है, बट कैसे आप एक क्लिक में ही आपका फ़ोन का लॉक आप तोड़ सकते हैं ये आई थिंक किसी को भी पता नहीं है। ओके, उसके बाद इस एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस देखा देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड है ये आप निकाल के रख दीजिए, क्योंकि मेमोरी कार्ड का अंदर जो भी डाटा है सब कुछ इरीज हो जाएगी, यानी सब कुछ डिलीट हो जाएगी। तो मेमोरी कार्ड आप मेक श्योर हो जाइए आपका फ़ोन से आप निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद इस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ऐसे ही इंटरफेस देखा देगा। यहाँ पर साइन इन में आप क्लिक कीजिए। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन का अंदर जो जीमेल आईडी लॉग इन किए हुए उसी जीमेल आईडी यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फ़ोन का अंदर ये जीमेल आईडी, तो मैं डाल दिया है, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। डालने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद उसी जीमेल आईडी के यहाँ पर पासवर्ड आप डाल दीजिए। तो मैं जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आप क्लिक कीजिए एंड साइन इन हो जाइए। ओके, तो वीडियो स्किप मत कीजिए, आई थिंक इसके रिलेटेड ही तुम्हें कोई भी नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन इन होने के बाद आपको ऐसे ही इंटरफेस देखा देगा। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देख लीजिए इरीज डिवाइस, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इरीज डिवाइस में आप क्लिक करेंगे तो मैं अभी नहीं करेंगी, क्योंकि मैं कर लेंगी तो मेरा फ़ोन का सब कुछ इरीज हो जाएगी। तो जब भी आप इरीज डिवाइस में आप क्लिक करेगी तो 100% मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, ये आप मजाक में नहीं लीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन का सब कुछ इरीज हो जाएगी। ओके, जब भी इरीज डिवाइस में आप क्लिक करेगी तो आपका फ़ोन का अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो मेमोरी कार्ड का सब कुछ डाटा इरीज हो जाएगी, आपका फ़ोन का सब कुछ चले जाएगी। ओके, तो ऐसे आप इरीज कर सकते हैं। मैं तो अभी आप लोग को लाइव अभी करके नहीं देखा सकता हूँ, आप खुद चेक कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कॉमेंट बॉक्स में एक अच्छा कॉमेंट कीजिए अगर वर्क किया है तो। तो आज का वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।